लोकसभा सामान्य चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में विधानसभाओं के सेक्टर मजिस्ट्रेट, जूनल मजिस्ट्रेट और निर्वाचन के दौरान काम करने वाले एफएसटी, एसएसटी और वीएसटी टीमों की बैठक की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता प्रभावी होते ही सभी टीमों को किस तरह से कार्य करना है, इसका प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। इसके अलावा विधानसभा वार कार्मिकों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। निर्वाचन संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए कार्मिकों को आरओ और एआरओ स्तर से सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और निचले स्तर तक के कार्मिकों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं निर्वाचन के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए शराब और धन के प्रलोभन पर अंकुश लगे, इसके लिए भी अभी से जिला निर्वाचन विभाग पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी का कहना है कि आचार संहिता प्रभावी होते ही सारी टीम एक्टिव हो जाएगी। इलेक्शन क्योंकि अभी एमसीसी अनाउंस होने वाली है, सारी जो तैयारियां हैं सभी विधानसभाओं की वो लगभग अंतिम चरण में चल रही हैं। जो भी चीज़ें करी जानी होती हैं, ड्यूटीज़ वगैरह लगनी होती हैं, तो चार विधानसभाओं की मीटिंग हम लोगों ने आज करी थी यहाँ पर। उसके सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी वगैरह जो टीमें हैं उनकी एक मीटिंग की है और उनकी ट्रेनिंग क्योंकि एक एक बार पहले हो चुकी है तो जो सामान्य दिशा निर्देश थे वो उनको सबको बताए गए हैं। इसके बाद एआरओज के साथ भी एक मीटिंग करी गई है और विधानसभा स्तर पर जो तैयारियाँ होती हैं इलेक्शन से के संबंध में आचार संहिता से पूर्व वो सभी विधानसभाओं के स्तर पर समय से सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। मतलब पैसा कुछ बढ़ता है, शराब कुछ बढ़ती है, उसके लिए किस तरह के खास निर्देश हैं? अभी सभी विधानसभाओं में जो स्टैटिक सर्विलांस टीम है या फ्लाइंग स्क्वाड है वो सब इस काम के लिए लगती हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका अनुपालन कराने के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन संपादित हो सके उसके लिए किसी प्रकार का प्रलोभन वगैरह कोई किसी को ना दे पाए, उन सब चीज़ों पर कार्रवाई करने के लिए इनकी ट्रेनिंग्स हम लोगों ने करा दी हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की जो अन्य टीमें हैं वो भी गठित कर दी गई हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करा दी गई है। जो संसाधन सभी टीमों को अपना काम करने के लिए दिए जाने हैं वो दे दिए गए हैं, तो इसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि सभी लोग अपना काम ठीक से करें और सुचारू इलेक्शन हम लोग सुनिश्चित करवा पाएँ।